हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट टू दिस वीडियो। सो गाइस, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लॉर्ड हनुमान जी के फेस का आउटलाइन ड्रॉ किया था और आज के इस पार्ट में हम शेडिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ब्रशस्ट्रोक का 72 कलर्स का पेंसिल सेट। अगर आपके पास ये पेंसिल सेट नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, मैं सिर्फ बेसिक शेड का ही यूज करने वाला हूँ जो आपका आगे जाके पता लग जाएगा। और ब्लेंडिंग के लिए मैं साथ में यूज करूंगा प्रिज्मा कलर का कलरलेस ब्लेंडर। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, टेंशन नहीं लेनी है, आप व्हाइट पेंसिल से भी पेंसिल्स को ब्लेंड कर सकते हो। और कौन सी शेड्स यूज करनी है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। मैंने कोई ज़्यादा डिफरेंट शेड्स का यूज़ नहीं किया है, सिमिलर जो बिल्कुल सिंपल शेड्स होती हैं उनका मैंने इस ड्राइंग में यूज़ किया है। और ये सारी पेंसिल्स गाइस आपको किसी भी ब्रांड की, चाहे आप पेंसिल्स लेते हो, चाहे आर्ट लाइन की हो, चाहे डोम्स की हो, तो आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये शेड्स जो हैं वो पिक करनी है, और ये शेड्स पिक करने के बाद गाइस फिर आपको ड्राइंग को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले आप ये वाली सारी पेंसिल्स अपने पेंसिल सेट में से निकाल लेना अगर आपके पास कोई भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं सबसे पहले यहाँ पे बीच पेंसिल का यूज़ करूँगा। और आप स्किन कलर की पेंसिल का यूज़ करना तो आपको गाइस सारे फेस में एक बेस लेयर ऐड करना है, और आपको बेस लेयर गाइस एक ही डायरेक्शन में ऐड करना है और पेंसिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे इंडेंटिंग टूल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो हेयर्स होंगे हम वो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ताकि जब हम उसके ऊपर पेंसिल चलाएं तो हेयर जो हैं वो अच्छे से हाईलाइट हो पाएं। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे हेजलनट शेड यूज़ कर रहा हूँ, और गाइज आप इसकी जगह ओकर कलर का शेड का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अब हम सेकंड लेयर को ऐड करेंगे, एंड सेकंड लेयर गाइज मैंने जिस डायरेक्शन में सबसे पहले फर्स्ट लेयर ऐड की थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, ताकि पेंसिल्स जो हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। तो सिर्फ हम शेडोड एरिया में ही सेकंड लेयर को ऐड करेंगे। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे प्रिज्मा कलर का कलरलेस ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, और जितना एरिया हमने यहाँ पे शेड किया है इससे हम इसको ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप व्हाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे कोरल शेड का यूज़ कर रहा हूँ, और आप इसकी जगह गाइज पिंक पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। कोरल शेड का यूज़ करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसका स्कारलेट शेड यूज़ कर रहा हूँ, और आप इसी जगह गाइस रेड शेड का यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों शेड्स का यूज़ करना है सिर्फ हमें इस वाले एरिया में। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे सिडार शेड का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका सिमिलर शेड जो होगा वो होगा गाइज चॉकलेट शेड, तो आपको वो यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ी यहाँ पे नोज में डार्क एरियाज को ऐड करेंगे, एंड देन जो लाइंस हैं उनको थोड़ा और डार्क करेंगे, ताकि फेस जो है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं ब्लैक शेड का यूज़ कर रहा हूँ फॉर आईब्रोज एंड आईज वाले सेक्शन के लिए। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम सकुरा का व्हाइट जेली रोल पेन का यूज करेंगे, एंड आईज में व्हाइट हाइलाइट्स को ऐड करेंगे। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम ब्लैक कलर का यूज करेंगे फॉर हेयर्स वाले सेक्शन के लिए। सो गाइज, इस सेक्शन को मैंने टाइम लैप्स इसलिए किया क्योंकि हमने इस सेक्शन में भी सेम वही शेड्स का यूज़ किया जो हैंड वाला सेक्शन है एंड जो पूंछ वाला सेक्शन है। सिर्फ हमने तीन शेड्स का ही यूज़ किया है, और साथ में ब्लेंडर का यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने डार्क चॉकलेट का जो शेड है, जो सिडार शेड है इसका, वही यूज़ किया मैंने ये वाले सेक्शन के लिए भी। तो शेड्स हमारे सिमिलर रहेंगे एंड प्रोसेस भी हमारा सिमिलर ही रहेगा।
सो गाइज इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम इसका कैनरी शेड का यूज करेंगे और आपको येलो शेड का यूज करना है। जितना भी मुकुट एंड जो ऑर्नामेंट वाला सेक्शन रहेगा वहां पे हमें सबसे पहले कैनरी शेड यानी कि येलो शेड से ही ब्रेसलेट को ऐड करना है। इस तरह से ब्रेसलेट को ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे मैं इसका सैंड शेड यूज कर रहा हूँ, यानी कि आपको थोड़ा डार्क येलो कलर जो कि मिट्टी कलर बोलते हैं, जिसको ऑकर कलर बोलते हैं, वो यूज करना है। एंड अब हम इसमें सेकंड लेयर को ऐड करेंगे। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद गाइज अब मैं इसका ऑजर ब्लू शेड कलर का यूज कर रहा हूँ, यानी कि आपको स्काई कलर का शेड का यहाँ पे यूज करना है। एंड सबसे पहले आपको क्लोज वाले सेक्शन में स्काई कलर से एक ब्रेसलेट ऐड कर लेनी है। सो गाइज फाइनली हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा पेंसिल शेडिंग की है और व्हाइट पेंसिल का यूज करके, इरेजर पेंसिल का यूज करके या टोमोमोन इरेजर का यूज करके मैं यहाँ पे राम जी लिख रहा हूँ, ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, शबक है।